नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा सात का हिंदी पढ़ेंगे। कक्षा सात की हिंदी में मैंने इसके पहले आपको पाठ पांच तक पूरा करवा दिया था। आशा करती हूँ कि आपने भी नोट में और स्वाध्याय पोथी में पाठ पांच तक पूरा कर लिया होगा, क्योंकि स्वाध्याय पोथी और नोट पूरी होगी तभी आपको, जब मैं चेक करने के लिए मांगूंगी तो आपको स्कूल में लाकर जमा करानी होगी। आज जो मैं पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो पाठ छह है और पाठ का नाम है सोना। पाठ को लिखने वाली लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 और निधन 1987 में हुआ था। ये जो आपको फोटो में दिख रही है वो महादेवी वर्मा है, ये पाठ की लेखिका है। इस पाठ में आपको हिरण के बारे में बताया गया कि किस तरह हिरण का छोटा सा बच्चा परिवार में आता है और वह एक परिवार के सदस्य के जैसा बन जाता है। तो हमारी महादेवी वर्मा ने हमें क्या क्या लिखा है, तो इन्होंने और भी सारी कहानियां, याम, काव्य संग्रह, ज्ञानपीठ पुस्तकार भी प्राप्त हुए हैं। श्रीमति की रेखाएं, अतीत की चित्र लेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनकी उत्कृष्टता ग्रंथ रचनाएं हैं। अब प्रस्तुत पाठ में मेरा परिवार से लिया गया इनकी लेखिका ने एक हरण साग का बड़ा ही मर्म शब्द चित्र खींचा है। दोनों मात्र एक हिरण ही नहीं अपितु इनके परिवार का एक सदस्य है। तो अब ये पाठ में पढ़ना शुरू कर रही है, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और सुनिएगा। सोना की आज अचानक स्मृति हो जाने के कारण मेरा परिचित स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्रनाथ वासुत की पुत्री सुमिति ने लिखा है, गए वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते हुए महीने में हमने उसे बहुत स्नेह करने लगे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में श्रोबुद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े होने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत की स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप इसे स्वीकार करोगे? सचमुच में आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हो कि मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो इसके साथ बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ कोई भली भात देखभाल हो सकती है। लेखिका कहती है कि मैंने सोना की अचानक होने के कारण एक और हिरण लाने की कोशिश मैंने नहीं की थी, लेकिन जब मैं छोटा हिरण घर पे आया था तो मैं उसे बड़ा होते देखी तो मुझे समझ में आया कि इस हिरण को हम घर में नहीं रख सकते, क्योंकि इस हिरण को घूमने फिरने के लिए ज्यादा जगह और जंगल ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह को हिरण को दूसरी जगह ले जाने का सोचा और जिसे सौंपा। वो चाहती थी कि वह उसकी सेवा करे और उसकी देखभाल अच्छे से हो, और लेखिका उस व्यक्ति पे विश्वास भी करती थी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि जब हिरण नहीं मैं पालूंगी, परंतु आज नियम का इस भंग करते हुए मुझे इस कोमल प्राण को रक्षा करना सोचा। लेखिका के साथ जब ये घटना घटी तो उन्होंने क्या सोचा, आज के बाद कभी मैं हिरण नहीं पालूंगी, क्योंकि इसे हिरण को बड़ा होता देखकर और जगह छोटी पड़ती है, इसीलिए अब के बाद हिरण नहीं पालूंगी। लेकिन जब उन्होंने इस कोमल छोटे से बच्चे को देखा तो उन्होंने ये अपना नियम भंग कर दिया। सोना इस प्रकार अचानक आई, परंतु वह अब तक अपनी शिशुवस्था भी पार नहीं कर पाई थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छे की गांठी के समान उसका कोमल लक्ष्य शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानदार आंखें देखते तो लगता कि अभी उछल पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुड़ंग टांग जैसे उसे देखते ही प्रस्तुत गत की बिजली की लहर दौड़ने देखने वाली की आंखों के कंधे जाते थे। सभी उसको सरल शिशु रूप से इतनी प्रभावित हो चुके थे कि किसी चमकड़ी रूपसी के उपयुक्त सोना, स्वर्ण, स्वर्ण लेखा आदि नामों से उसका परिचय होने लगा था। लेखिका कहती है, जब अचानक सोना हमारे घर में आई थी तो सब लोग खुश हो गए थे। उसका स्वभाव, मतलब उसका जो रंग था, मतलब वो इतनी कोमल थी और इतनी सुंदर थी कि सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। लंबे लंबे पानदार उसकी आंखें थी, लंबी छोटी छोटी मुंह और बड़े बड़े पानदार आंखें थे। छलांग भी उसकी टांगे भी लंबी थी और पतले पतले टांग थे। वह अपने रूप से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। लोग उसे कई नामों से बुलाने लगे। उसके अनेक नाम
अनेक नाम लोग रखने लगे। वह अपने आप लोग उसे प्रभावित होने लगे थे। उसका नाम कोई सोना स्वर्ण स्वर्ण लेखा आदि नामों से उसका परिचय होने लगा था। परंतु उसी बीच हिरण सावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा थी जिसे मनुष्य की निष्ठता घटती है। बेचारी सोना तभी मनुष्य की इस निष्ठा मनोरंजन प्रतीत के कारण अपने अरणन प्रवेश की सरोजाति से दूर मानव समाज में आना पड़ा था। लेकिन जो सोना थी उसे हमारे समाज में यानी मानव समाज में क्यों आना पड़ा? क्योंकि कुछ शिकारी लोगों निष्ठा होकर उसके परिवार को मार दिए थे और इसीलिए बेचारी सोना अपने समाज से वंचित होकर मानव समाज में उसे रहना पड़ा था। प्रशांत वन स्थल में जब लस्व भाव से सर्वनाथ करते हुए हुआ बैठा मूर्ग श्रमू शिकारियों के टहल से चौंक कर भागा, तब मानव सोना की मां सदैव प्रस्तुत होने के कारण भागने में असमर्थ थी। सदा जातु मूर्ग शिशु तो भाग नहीं सकता, अतः मृग मां ने अपने संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने का प्रयास में प्राण दे दिया। जब सोना छोटी सी थी और उसकी माँ उसे लेके बैठी थी, तभी वहाँ पे शिकारी आए और लोग उसका शिकार करने लगे। जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है किसी को देखकर, उसी तरह सोना भी अपने माँ से चिपक गई थी। लेकिन उन शिकारियों ने सोना की माँ को मार दिया। सोना की माँ वहाँ से भागना चाहती थी लेकिन सोना भाग नहीं सकती थी, इसीलिए माँ ने अपने शरीर के ओट में अपने बच्चे की रक्षा करने का प्रयास करने लगी। पता नहीं उन्हें क्या दया आई कि कृत्य प्रीता के कारण शिकार मृत हिरण के साथ उनके रक्त से सना हुआ ठंडा स्तर से चिपका हुआ साग को जीवित उठा लाए। उसमें से किसी के परिवार की सदस्य गृहणा और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध मिला पिलाकर दो चार दिन जीवित रखा था। जो शिकारी थे उन्हें पता नहीं मन में क्या हुआ कि वो जो मृत शरीर थे उसे उठाकर लाए और उसके साथ उसका चिपका हुआ बच्चा भी घर आ गया। उसके परिवार के सदस्य जो थे वो बड़े दयालु थे। उन्होंने उस बच्चे को पानी पिलाकर दूध पिलाकर दो चार दिन जीवित रखा था। आगे सुष्मिता वसु के सामने ही किसी बालिका को मेरे सस्मरण हो आया कि वह एक अनाथ सावक मूर्खवन अवस्था में मेरे पास आया है। सावक अवशित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। निग्रंत सुनहरे रंग के कारण सभी उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शिशु ग्लूकोज बकरी का दूध आदि सभी कुछ एकत्रित करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ किया। श्रीमती लेखिका आगे कहती कि श्रीमती वासु थी, उन्होंने क्या किया, उस हिरण को बालिका के जैसे संस्मरण होता है उस तरह से उसे मेरे पास ले आई और उससे यह कहा कि मैं इसे पालू। लेकिन उसकी अवस्था देखकर उसके बचने की आशा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी लेखिका ने उसे स्वीकार किया और उसका रंग रूप इतना अच्छा था कि लोगों ने उसे सोना कहना शुरू कर दिया। जिस तरह उसे मैंने दूध छोटे बच्चे को दूध पिलाया जाता है उस तरह दूध पिलाती थी, ग्लूकोज बकरी का दूध, ये सब इकट्ठा करके और उसे पालने का कार्य मैंने शुरू कर दिया। उसका मुख इतना छोटा था कि उसे सीसी का नेपल समानता ही नहीं था, उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसने पीना ही नहीं बल्कि दूध की बोतल पहचानना भी आने लगा। आंगन में कुत्ती फांते हुए पक्तिन को बोतल साफ करते हुए देखकर वह दौड़ जाती और अपना तरल चिकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह सजीव मित्र हो गया हो। जब लेखिका ने इसे बीड़ा उठा लिया कि नहीं मैं इसे पालूंगी, तो उसे पालने की कार्य में वह जुट गई। उसका हिरण का मुंह यानी सोना का मुंह इतना छोटा था कि जिससे बच्चे दूध पीते नेपल से उससे भी वह पी नहीं पाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने वह सीखना तो दूर, जब वो भक्तिन थी ना, भक्तिन उस बोतल को साफ करने के लिए ले जाती तो उसे पता चल जाता था कि मेरे लिए दूध आने वाला है और वह उसे इधर से उधर भागने लगती थी। ऐसा लगता था मानो यह मित्र की दोस्त बन गई हो। उसने रात भर वो हिरण को यानी सोना को क्या आदत हो गई थी कि लेखिका के पास
ही रहती थी। रात भर लेखिका पलंग पर सोई रहती थी तो हिरण उसके पास यानी सोना उसके पलंग से सटकर बैठी रहती थी। वो गंदगी करने की उसकी आदत तो थी नहीं, लेकिन उस दिनों में आरंभ हो सका था। अंधेरा होते वो मेरे पलंग के पास आकर बैठ जाती और रात भर वहीं बैठी रहती थी। जब तक सवेरा ना हो तब तक वो पलंग से बाहर नहीं निकलती थी। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार की निष्ठा हो गई थी। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थियों के निकट पहले वो कृतित्व का कारण ही रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह ऐसी प्रिय साथनी बन गई जिसके बिना उसका काम नहीं चलता था। लेखिका कहती है धीरे धीरे वह इतना मतलब हम लोगों के निकट आ गई कि उसका बिना कोई काम नहीं चलता था। विद्यार्थिनी बन गई थी, साथी बन गई थी, मित्र बन गई थी और इधर से उधर दिन भर कूदती रहती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवसर रहता था। वह पंक्तिबिंद खड़े होकर सोना सोना पुकारते तो वह ऊपर से छलांग लगाकर एक से दूसरी ओर कूदती रहती थी। और सर्कस जैसे खेल कभी घंटे चलते, क्योंकि खेल कभी घंटों में बच्चों को एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती थी। सोना को बच्चों के साथ खेलना बहुत ही पसंद था। वह अलग अलग बच्चों के साथ खेल किया करती थी। वह बच्चे उसे जोर जोर से सोना पुकारते और सोना अपने उछल कूद से बच्चों को मोहती रहती थी। वह घंटों बच्चों के साथ खेलती रहती थी। मेरे प्रिय स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह मेरे पास आ जाती थी, पीछे से छलांग लगाती, सिर के ऊपर से दूसरी ओर चली जाती। प्रातः देखने वाले लोग भय हो जाते थे और सिर पर चोट ना लगे जाए, परंतु वह पैर का इस प्रकार सिकुड़ के रखती थी जिससे ऊंची छलांग तो लग जाती थी पर चोट लगने की कोई संभावना नहीं रहती थी। आगे लेखिका कहती है कि प्रतिदिन स्नेह प्रदर्शन वह करती थी। अगर लेखिका बाहर खड़ी हो जाती थी तो उसकी उछल कूद देखती थी। कभी सिर के ऊपर से कूदती थी, कभी बगल से कूदती थी। लोग जब वह कूदती थी तो लोग भयभीत हो जाते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि कहीं उसे या लेखिका को चोट ना लग जाए, लेकिन वह सोना इतनी सावधानी पूर्वक से कूदती थी कि चोट लगने का ख्याल ही नहीं रहता था। भीतर आने पर वह मेरे पैर से अपने शरीर को रगड़ने लगती थी। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती थी। कभी पीछे चुपचाप खड़ी होकर चोटी ही चबा डालती थी। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चिकित आंखों से ऐसी अनिरुचिता चिकित्सा भरकर एक टक देखने लगती थी कि हंसी आ जाए। लेखिका कहती थी जब खेल कर वह भीतर आती थी तो वह शरीर को लेखिका के पांव से रगड़ने लगती थी और कभी कभी तो ऐसा करती थी कि वह पीछे से लेखिका की चोटी चबाने लगती थी या फिर साड़ी का जो छेड़ा होता है वह मुंह में डाल देती थी। यह सब देखकर लेखिका को गुस्सा आता था तो लेखिका कभी कभी वह सोना को डांट देती थी। जब लेखिका उसे डांट देती थी तो उसे कैसा लगता था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल लेती थी और मानो अभी और जब वह ऐसा करती थी तो लेखिका को इसमें बड़ी हंसी आती थी। अनेक विद्यार्थियों की भार भरकम गुरु जी से सोना को क्या लेना चाहिए वह उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था और उसी हाथों को जानती थी जिसे व्यक्ति यत्न पूर्वक दूध से बोतल उसके मुंह में लगती थी। आगे लिखा है कि वह हमेशा गुरु जी को पहचानती थी। वह हमेशा उस दृष्टि को पहचानती थी जिससे वह उसे स्नेह मिलता था और स्नेह झलकता था। हमेशा वो उन हाथों को पहचानती जिससे वह दूध पिया करती थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सर के ऊपर से कूदना अवश्य लगता हो तो वह कूदती थी। मेरे किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध का प्रतिमुद से परिचित रहता है। स्नेह से बनने वाले वह गद गद होकर निकट आती थी और क्रोध करती थी। सभी और दयनीय बनकर दुबक जाते थे। हर हिरण यह अंतर नहीं जानते थे, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन था। यदि उसे क्रोध किया जाए तो वह अपनी चिकित्सा आंखों से भरी अधिक विस्मय भरकर पालने वाले को दृष्ट मिलाकर खड़ी रहना मानो पूछता हो क्या वह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानती थी। उसकी सकृति बताने के लिए उसकी विशेष
चेष्टा थी। मेरी बिल्ली, गोधोल, कुत्ते हेमंत, वसंत, कुतिया, फ्लोवर सभी पहले से नए अतिथि को देखकर रूठ हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिन में सभी सत्य स्थापना कर ली। फिर वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उसके ऊपर उछलते कूदते रहते थे। कई उसके कान खींचता तो कोई पैर, और कोई जब उसके खेल में अनमत न हो जाए तो वह अचानक चौकी भोर भागती और गिरती फिरती उनके पीछे दौड़ने लगती थी। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरण स्वर्ण से हिरण में परिवर्तित होने लगा। उसी शरीर के प्रतिभय से प्रमल छलक देने लगी। टांगे अधिक सिकुड़ती और खोर कल्पत में चमक आ गई है। बच्चों, आज ये पाठ जो है मैं पेज नंबर 30 तक आपको पढ़ा पा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम हिंदी पढ़ेंगे तो 31 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जितना मैंने इस पाठ को पढ़ाया है उतना फिर आप घर पे रिवीजन यानी वापस से पढ़ोगे और इसकी स्वाध्याय पोथी में पाठ भरना 6 पाठ भरना स्टार्ट कर दोगे और नोट में भी प्रश्न उत्तर लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो आज का आपका घर काम यही है कि पाठ 6 स्वाध्याय पोथी में और नोट में भरना शुरू कर देने का है। धन्यवाद।